अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू पीपल आर डूइंग, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो एक्चुअली मैंने बोला था आपको गोवा के फर्स्ट पार्ट में, मैं आपको बोला था कि आपको सेकेंड पार्ट आने वाला है करके। सो उसके बीच में बकरीद आ गया है। सो आपको सेकेंड पार्ट आने से पहले आपको बकरीद का ब्लॉग आ रहा है, इंशाल्लाह आपको इसमें मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ कंटेंट। सो आपको बहुत मज़ा मिलेगा देखने में, इंशाल्लाह ज़रूर आप लाइक करेंगे। सो जो भी फर्स्ट मेरे चैनल पे नए हैं, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड अभी हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। सो फजर का नमाज होने के बाद आपको इंशाल्लाह 6:30 बजे जमात रहेगी, बकरीद का, ईद उल अज़हा का नमाज रहेगा, जमात खड़े हो जाएगी 6:30 बजे। सो उसके बाद भी है जमात, बट हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके नमाज, हमको कुर्बानी का भी मसला है तो उसको भी कंप्लीट करना है प्रोसेस। तो उसके लिए हम अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे इंशाल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसमें जाके हम पढ़ के आ जाएंगे। सो अभी हम फर्स्ट चल रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके बाद 6:30 बजे हम जाके ईद उल अज़हा का नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा कुर्बानी का प्रोसेस, वो पूरा कंप्लीट करके इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगा। सो आपको देखने में बहुत मज़ा मिलेगा, आप इस ब्लॉग को देखिए कम्प्लीटली। सो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा मिलेगा। अभी हम चल रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। सो सो कम ऑन, लेट्स गो। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله أي सो फाइनली हम फजर की नमाज और ईद उल अज़हा का नमाज था वो भी कंप्लीट करके हम घर आ चुके हैं। और आप सबको मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक गाइस, आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक गाइस। सो अभी हम प्रोसेस कुर्बानी का प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं। सो उसका भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मिलूँगा इंशाल्लाह। मैं और मेरी बहन मिलके दावत कर रहे हैं घर पे, सो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं फर्स्ट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सो अभी हम चल रहे हैं कुर्बानी का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो आप भी हमारे साथ चलिए। सो कम ऑन, लेट्स गो। खाला पापा उसे, खाला उसे, खाला मामू, खाला ले बा, सामने जाको खलाना पापा। हां वही सा, ए पापा देखो बा, पापा हम भूखी, वो क्या वो बच्चे मार नानी। हाँ वैसा पकड़ लेना सो, हाँ ऐसा ऐसा हल्लू कर, ऐसा कर, ऐसा हल्लू करो से। हाँ चिंतू खाना आजा आजा बच्चा जा अम्मू का ना, आजा बच्चे मामा 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 क्या बोले अम्मू, अम्मू कैसा आवाज कर लेगा कैसा किली मामा चाचू चाचू पकड़े। जल्दी करो, ए दादू कने जा। अरे
होगा देख रहे उन्हें अम्मो अंदर फोन ए सो फाइनली खुलवाने का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम चल रहे हैं बहन के घर पे। सो वहाँ पे जाके दावत कंप्लीट करके रिश्तेदारों को भी बुलाया है और पापा के फ्रेंड भी आ रहे हैं। सो उसको जाके कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह आके हम मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, जो भी दिख रहा है आपको बहुत मज़ा मिलेगा देखने में। सो एक्चुअली अभी चल रहे हैं सिनेमैटिक शूट लेने के लिए रेहान जी का एंड मेरी प्रिंसेस का, इसका सिनेमैटिक शूट लेंगे, जाके बनाएंगे सिनेमैटिक शूट्स, आपको पसंद आएगा देखने में। सो कम ऑन लेट्स गो, जाके सिनेमैटिक शूट करेंगे और दावत को भी अटेंड करेंगे। कम ऑन लेट्स गो। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ
सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। भिजवादे दिए कितवादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात, वादे दिए कितवादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात। कुछ जुली ली ली दिन तेरे किड धा धा धा, हाँ कुछ जुली दिन तेरे किड धा, हाँ कुछ जुली ली ली दिन तेरे किड धा धा धा, हाँ कुछ जुली ली ली दिन तेरे दिन ना। सजन जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। भिजवादे दिए कितवादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात। कुछ जुली ली ली दिन तेरे किड धा धा धा, हाँ कुछ जुली दिन तेरे किड धा, हाँ कुछ जुली ली ली दिन तेरे किड धा धा धा, हाँ कुछ जुली ली ली दिन तेरे दिन ना। सो फाइनली फर्स्ट नमाज कुर्बानी और मेरी बहन के घर पे दावत अटेंड करके और सिनेमैटिक शूट जो भी मैंने पूरा कंटेंट आपको दिया है, सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह इस व्लॉग में। और हम मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट गोवा में, गोवा का पार्ट सेकेंड पार्ट बकरीद के व्लॉग के बाद आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपको सेकेंड पार्ट बहुत मज़ा मिलेगा देखने में गोवा का। स्टे ट्यून गाइस, जो भी नए हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड वी विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम, वसीम खान साइनिंग आउट। क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है न।